हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेजर कल्ची क्लासेस। एनडीए 2019 का एडमिट कार्ड इशू हो चुका है। यूँ तो एडमिट कार्ड इशू होकर थोड़ा टाइम हो गया है, दिवाली से पहले इशू हो गया था, लेकिन दिवाली की छुट्टियां थी, थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में। आशा है आप सबने ऑलरेडी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, बट आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जब आप जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो वहाँ कुछ आप चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखें। तो सबसे पहले हम चलेंगे यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है www.upsc.gov.in। और वेबसाइट पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो लिंक है, ये जो व्हाट्स न्यू का जो ये स्क्रॉल चल रहा है, इसमें भी है वो लिंक, और ई एडमिट कार्ड नेशनल डिफेंस एकेडमी। और ये जो नीचे आपको ये ब्लॉग दिख रहा है, यहाँ पे एडमिट कार्ड के जो ऑप्शन है, तो आप दोनों में से कहीं से भी जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इस एडमिट कार्ड के टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ई एडमिट कार्ड फॉर वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी जो पहला लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। और यहाँ अभी फ़िलहाल सिर्फ एनडीए का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर बता रहे हैं यहाँ पे कि एडमिट कार्ड 25 तारीख को इन्होंने अपलोड कर दिया था और 17 नवंबर लास्ट डेट है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की। ऑब्वियसली 17 नवंबर को एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है एनडीए का, उसके बाद आप एडमिट कार्ड क्यों डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ क्लिक हेयर पे आप क्लिक करेंगे और ये जो नेक्स्ट पेज है, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे, इसको आप लेके आएंगे और वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पे, और अगर एडमिट कार्ड में कोई गलती है आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, या किसी भी आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसमें कोई गलती है, आप इस बात को वहाँ पे डिस्क्लोज़ करेंगे, उनकी नज़र में लाएंगे। एडमिट कार्ड आप लेके आएंगे ओरिजिनल, और साथ ही साथ आपको आपका जो आइडेंटिफिकेशन आईडी प्रूफ है, आपका जो आईडी प्रूफ है जो आपने मेंशन किया था फॉर्म भरते वक्त, आपके एडमिट कार्ड में अगर आपने आधार कार्ड मेंशन किया है या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपने मेंशन किया है आईडी प्रूफ, उसका नंबर भी आपने मेंशन किया है, वो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, आपको वही आईडी प्रूफ लेके जाना है। अगर आपने आधार कार्ड मेंशन किया है एप्लीकेशन में, एडमिट कार्ड में अगर आधार कार्ड मेंशन है, तो आप अपना कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाएंगे, आईडी प्रूफ लेके नहीं जाएंगे, वही सेम आईडी प्रूफ लेके जाएंगे। तो हम ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। आपका जो ई एडमिट कार्ड है, इसी को ई एडमिट कार्ड कहते हैं, इसका आप प्रिंटआउट लेके जाएंगे, ओरिजिनल प्रिंटआउट, और आपका फोटो आईडी प्रूफ लेके जाएंगे जैसे कि मेंशन किया मैंने, और साथ ही साथ आपको एक ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। पेन आप ब्लैक ही ले जाएंगे, आप आंसर्स जो करेंगे, टिक करेंगे, मार्क करेंगे, ब्लैक बॉल पेन से ही करेंगे। किसी दूसरे कलर का अगर पेन होगा तो वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, वो आपके आंसर्स को चेक ही नहीं करेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर में आपको 10 मिनट पहले पहुंचना है, तो दो शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है जैसा कि आपको पता है। पहला एग्ज़ाम 10 बजे शुरू होता है, 10 से 12:30, ढाई घंटे का पेपर होता है मैथमेटिक्स का। तो 9:50 पे गेट क्लोज जाएंगे, उसके बाद आपको किसी भी हाल में एंट्री नहीं मिलेगी, तो आप 10 मिनट पहले 9:50 पे गेट पे रहिए। और सिमिलरली सेकंड जो आपका एग्ज़ाम होगा, जीएटी का पेपर होगा, 2 बजे पेपर शुरू होता है, आपको 1:50 पे किसी भी हाल में एंट्री पे रहना है, एंट्री पॉइंट पे रहना है। अपने एडमिट कार्ड को संभाल के रखिए, क्योंकि अगर आपका एडमिट कार्ड कोई और यूज़ करते हुए पाया गया, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने भाई कोई चीटिंग या कोई फ्रॉड नहीं किया है, अपने नाम से आपने किसी को नहीं भेजा एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो लायबिलिटी आपके ऊपर होगी। तो एडमिट कार्ड आप संभाल के रखिए, गुम ना हो, कोई मिसयूज़ ना करे आपके एडमिट कार्ड का। आपका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो फिक्स है, जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा है वही रहेगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और गलती से भी किसी दूसरे एग्जामिनेशन सेंटर में मत जाइए, वहाँ आपको नहीं मिलेगा मौका एग्ज़ाम लिखने का। और अगर आप गलती से लिखते भी हैं किसी और एग्ज़ाम सेंटर पे, आप एग्ज़ाम जाके देते भी हैं, हालांकि विच इज़ इम्पॉसिबल, तो आपका वो वैसे भी आपका आंसर शीट वो कैंसिल्ड मानेंगे, जो आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर मिला है वहीं पर आ जाके आप एग्ज़ाम देंगे। मोबाइल फ़ोन्स, कैलकुलेटर्स या कोई भी जो गैजेट्स होते हैं, स्मार्ट वॉच होती है, आजकल वॉचेस आती हैं डिजिटल वॉचेस जिसमें कैलकुलेटर भी होता है, तो ये सारे जो डिवाइसेस हैं, गैजेट्स हैं, बिल्कुल अलाउड नहीं है। एक जो नॉर्मल वॉच होती है जिसमें कोई स्पेशल फीचर्स नहीं है, वो आप पहन के जा सकते हैं, बट एडवाइजेबल होगा कि आप कोई भी घड़ी वगैरह भी ना पहने तो बेटर है। नेगेटिव मार्किंग एनडीए के एग्ज़ाम में एप्लीकेबल है, आपको अच्छे से पता है, 1/3 मार्क्स आपके कट जाते हैं अगर आपने गलत आंसर किया है। बॉल पॉइंट वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, 12 नंबर पॉइंट। अगर आपके एडमिट कार्ड में आपका जो फ़ोटोग्राफ है वो क्लियर नहीं है, तो अपने आपको दो फोटोग्राफ भी लेके जाने हैं, तो आप अपना आईडी प्रूफ तो लेके जाएंगे जाएंगे, साथ में आप दो एक्स्ट्रा फोटोग्राफ लेके जाएंगे। एक फ़ोटोग्राफ आपका वो लेंगे फर्स्ट पेपर से पहले, मैथ्स के पहले, और दूसरा जीटी से पहले, तो दो आप क्लियर फोटोग्राफ भी लेके जाइए, इनकेस आपके एडमिट कार्ड में आपका फ़ोटो क्लियरली विजिबल नहीं है, नहीं समझ में आ रहा, नहीं दिख रहे आप तो। और ये जो एडमिट कार्ड है आपका, इसको संभाल के रखना है आपको,
फाइनल रिजल्ट के डिक्लेरेशन तक, जब आप जाते हैं SSB इंटरव्यू के लिए, वहाँ भी आपको एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ता है. तो कीप दिस एडमिट कार्ड वेरी वेरी सेफली, और इसको आप बाद में शायद प्रिंट ना कर पाएँ 17 नवंबर के बाद, जो लिंक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का वो शायद हटा दिया जाए. तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि आप दोबारा डाउनलोड कर लेंगे, आप एक बार लीजिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए और इसको संभाल के रखिए किसी फाइल में. तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद, और नेक्स्ट पेज पे आपके पास दो ऑप्शन है, आप रजिस्ट्रेशन आईडी से या फिर रोल नंबर से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे ही लिखा रहता है, तो जब आप सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उस वक्त आप रोल नंबर यूज़ कर सकते हैं. फिलहाल आपको रोल नंबर नहीं पता होगा, तो आप सिंपली रजिस्ट्रेशन आईडी पे क्लिक करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और अपना डेट ऑफ बर्थ और ये जो सिक्योरिटी कोड यहाँ मेंशनड है इसको आप यहाँ टाइप करके सबमिट पे क्लिक करेंगे, एंड दिस इज़ हाउ आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे. तो एडमिट कार्ड कुछ इस तरह दिखेगा आपका. यहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन डेट है 17 नवंबर मेंशनड है, और आपका नाम है, रोल नंबर है, ये जो फ़ोटो आईडी प्रूफ की हमने बात की थी, आधार कार्ड नंबर यहाँ मेंशनड इस बच्चे का. तो यही आप, ये बच्चा सिर्फ ये आधार कार्ड लेके जा सकता है, अपना वोटर आईडी या फिर कोई दूसरा आईडी प्रूफ लेके नहीं जा सकता. फादर्स नेम, मदर्स नेम, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है वो मेंशनड है, जो एग्जैक्ट वेन्यू है उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशनड है. नीचे जाएंगे तो जो आपका टाइमिंग एग्जामिनेशन का, मैथमेटिक्स का जो पेपर है 10 बजे से 12:30 बजे तक होगा, फिर एक गैप रहता है, और 2 बजे से 4:30 बजे तक आपका सेकंड पेपर GAT का होता है. तो ये आपका एडमिट कार्ड है, इसमें कोई ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी एडमिट कार्ड में, जो हमने पिछले पेज में देखा वही इंस्ट्रक्शन थी. यहाँ पे इतना ही लिखा है कि आप 10 मिनट पहले गेट पे आइए, और दूसरी बात ये लिखी है कि आप एडमिट कार्ड और अपना जो ओरिजिनल आईडी प्रूफ है और एक ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके आइए एग्जामिनेशन सेंटर में. तो एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लिया होगा आशा है, आपने नहीं किया तो कर लीजिए. दिस वॉज हाउ यू कैन डाउनलोड योर एडमिट कार्ड, कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है. और एग्ज़ाम अब बहुत पास आ गया है, 17 नवंबर को पेपर है, तो हार्डली 3 वीक्स भी नहीं बचे, अब 3 हफ्तों से कम ही बचा हुआ है. तो आई एम श्योर आप लोग थोड़ा नर्वस भी होंगे, पढ़ाई आपकी चल रही होगी अच्छे से. तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, जो भी बच्चे हैं जो NDA का एक फॉर्म भरा है आप लोगों ने, एग्ज़ाम देने वाले हैं. मेजर कोचिंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को ढेर सारा ऑल द बेस्ट फॉर 17th ऑफ नवंबर 2019.